सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड। मेरा नाम है सोहेल, आपका स्वागत है एक न्यू यूट्यूब वीडियो में। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलादीन 25 के अनलिमिटेड ट्रिक के बारे में। सो अलादीन 25 पे हमने ऑलरेडी भी एक वीडियो बना चुके हैं। सो अलादीन 25 गाइज फुली वेरीफाइड है। रियल रिसर्च में चलें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फुली वेरीफाइड है। तो ये एक्सचेंज है, यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग का साइन अप पे 100 TNC मिल रहा है। तो TNC की अगर वैल्यू हम देखें तो 2-3 रुपये चल रही है। सो अप्रॉक्स 300 रुपये हमें साइन अप का मिलता है। तो यहाँ पे रियल रिसर्च, आप सबको पता है कि कितनी बड़ी ऐप है, तो यहाँ पे इनने ऐड दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जेन्युइन है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसकी अनलिमिटेड ट्रिक कैसे और हम अनलिमिटेड TNC कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। सो कोई भी एयरड्रॉप्स की और हैक ट्रिक्स की वीडियो आएगी तो आप मिस नहीं करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे गाइज क्या होता है कि जो एयरड्रॉप्स जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि 1 दिन के 2 दिन के एयरड्रॉप्स और अर्निंग ऐप्स और हैक ट्रिक्स जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको अपना अलादीन 25 का अकाउंट बता दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1460 TNC हैं। तो ये TNC की अगर अभी हम वैल्यू लगाएँ तो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में बन रहा है। तो ये जो हमने किया है, ये हमने खुद से किया। तो 74 रेफर आप देख सकते हैं हमने खुद से किए हैं। 1-2 रेफर होंगे जो मेरे फ्रेंड्स ने किया, बाकी जो भी रेफर हैं वो मैंने खुद से किए हैं। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि हम यहाँ पे कैसे रेफ़र कर सकते हैं। सो सबसे पहले गाइज आपने क्या करना है, यहाँ से जो रेफर लिंक होगा इसको कर लेना है कॉपी। जैसे ही हम इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद गाइज हमें एक ब्राउज़र चाहिए। सो वो सिंपल ब्राउज़र नहीं चाहिए, हमें चाहिए जीनिक्स ड्रॉइड। तो इस ब्राउज़र का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको क्लियर डाटा कर लेना है। तो क्लियर डाटा करने के बाद हमने यहाँ पे एयरप्लेन मोड ऑन और ऑफ़ कर लेना है। तो जैसे हम ऑन और ऑफ़ कर लेंगे तो जो हमारा IP एड्रेस है वो चेंज हो गया है गाइस। उसके बाद हमने इस ब्राउज़र को सिंपली खोल लेना है। जैसे हम यहाँ पे खोल लेंगे, यहाँ पे कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग से है। तो यहाँ से हम लेट्स बिगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा एड्रेस है इसको हमने सिंपली डाल देना है। सो यहाँ पे जो हमारा साइन अप का पेज है ये खुल जाएगा क्योंकि उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। सो जैसे हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने लिखना है टेम्प मेल। सो क्योंकि गाइज मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स के पास अनलिमिटेड ईमेल्स नहीं होते, तो जिस वजह से वो ट्रिक यूज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे गाइज आपके पास अनलिमिटेड मेल्स भी हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं और अनलिमिटेड ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने गाइज सिंपली टेम्प मेल जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे tempmail.org वाले पे करना है, ये io.com इन वाले पे नहीं करना है। सो जैसे हमारा ये पेज खुल जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रही है और यहाँ पे जो हमारा ईमेल होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा गाइज क्योंकि ये लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ईमेल आ चुका है। उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद हमने मेन यहाँ पे अलादीन 25 का साइन अप पेज पे जाना है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पेस्ट कर देंगे उसके बाद हमने क्या करना है गाइज, यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिख लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लिख लेते हैं qwerty@ तो हमने पहले लिख लिया qwerty@123। सो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं qwerty@123। तो गाइज जो फर्स्ट पासवर्ड होना चाहिए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद एक मतलब स्पेशल करेक्टर जैसे हैश हो गया, डॉलर का आइकन, @ कुछ भी होना चाहिए। सो जैसे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका रेफरल कोड होगा ये ऑटोमेटिक डाला होगा। उसके बाद इन दोनों पे आई कंफर्म कर देना है। I am not a robot इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी होगा फायर हेड रेट कुछ भी जो भी होगा आपने कर लेना है। उसके बाद हमने कंफर्म कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा। सो उसके बाद गाइज कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि सेंड ऑथेंटिकेशन मेल। तो यहाँ पे जो भी मेल है हमारे जीमेल अकाउंट पे चला गया, तो जो जीमेल अकाउंट हमने डाला था हमने सिंपली यहाँ पे करना है कंफर्म। तो जैसे ही हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद हमने जाना है टेम्प मेल। तो यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलादीन 25 का जो ईमेल है यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। तो गाइज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिंपली अगर
ट्रिक के बिना करोगे ना, तो अगर खुद से करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, जो भी आपका रिवॉर्ड होगा वो मतलब कलेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे लिखा आएगा अनवेरीफाइड। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। सो इसके बाद हमने सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं, यहाँ पे आती है मेन ट्रिक गाइस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से लॉगिन नहीं करना है। सो यहाँ से अगर हम लॉगिन करेंगे तो हमारा जो रिवॉर्ड है कलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे मेन दोबारा चला जाना है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा पहले था अलादीन का लिंक, सो उसमें हमने क्या करना है, पहले जो था यूज़र नेम और रेफरल लिंक साथ में था, अब हमने सिंपली लिख लेना है aladdin25.com। सो हमने सिंपली जो मेन मतलब वेबसाइट है उसको खोल लेना है, हमारे रेफरल लिंक से ओपन नहीं करनी है गाइस। सो यहाँ पे गाइस जो वेबसाइट है यहाँ पे खुल चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो थ्री लाइन से इन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक न्यू पेज होगा जहाँ से हम लॉगिन करेंगे तो वो खुल जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले, अब उसके बाद जो हमने यहाँ पे जो ईमेल रखा था उस ईमेल को याद रखना है। सो ईमेल यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे जो पासवर्ड होगा उसको हम डाल देते हैं। सो जब जो पासवर्ड हमने वहाँ पे डाला था वो सिंपली वही पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल देना है। सो क्वालिटी 123। तो उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन है सिंपली जो रोबोट्स की यहाँ पे वेरिफिकेशन है इसको वेरीफाई कर देना है, लॉगिन प्रेस कर लेना है। सो जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा कि जो हमारा रेफरल है ये काउंट हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। तो हम यहाँ पे माई डैशबोर्ड पे जाएंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं तो हमारा जो भी मेन डैशबोर्ड पे होता है कितने TNC मिलेंगे। तो यहाँ पे गाइज एक चीज़ याद रखना, देख सकते हैं हमारा जो मेन अकाउंट खुल चुका है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है गाइज, यहाँ पे आप अनलिमिटेड ट्रिक में से भी अनलिमिटेड ट्रिक इसकी ये है कि जो भी आपका ये ईमेल होगा इसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है और नोटपैड में आपने सिंपली लिख लेना है। सो यहाँ पे हम मैसेज में जाते हैं तो यहाँ पे हमने जैसे आप ऐसे ही नोटपैड में लिख के जो भी पासवर्ड होगा आप लिख के रख दीजिए। सो जैसे ही इसकी लिस्टिंग होगी तो आप हर अकाउंट से भी 100 TNC निकाल सकते हैं और 20 TNC वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अब हम अपने मेन अकाउंट में चलते हैं। सो जहाँ से हमने रेफ़र किया था तो वहाँ जो पहले रेफ़र थे 74 थे, आप बैक जाके भी चेक कर सकते हैं। और गाइस जो TNC थे वो 1460 थे। अब यहाँ पे हम अपना मेन अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन दोबारा से कर लेते हैं जो भी वेरिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे हमने सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो हम आप गाइज ऊपर टाइम भी देख सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वीडियो को स्किप करके रेफ़र कर लिया, ये किया। तो आप ऊपर टाइम देख सकते हैं, मैं वीडियो को इसलिए पॉज करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं माई पेज पे चल लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो रेफ़र देख सकते हैं जो TNC हैं 1480 हो चुके हैं, उसके बाद रेफरी 75 हो चुके हैं। सो आप यहाँ पे जो फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपने फेक किया, तो यहाँ पे हम चल लेते हैं लास्ट पे। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं जैसे कि कुछ रेफरेंस होते हैं, जो अगर आपने पार्ट जो मैंने ट्रिक बताई वो यूज़ नहीं की तो आपने अगर वीडियो को स्किप कर लिया तो आपका ऐसे आ जाएगा नॉट वेरीफाइड और आपको TNC नहीं मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो ईमेल हमने यूज़ किया था सेम ईमेल से हमारा जो रिवॉर्ड है 20 TNC मिल चुके हैं। तो ऐसे ही करके गाइस आप अनलिमिटेड TNC अर्न कर सकते हैं और उसके बाद जो 100 TNC हैं वो भी अलग अर्न कर सकते हैं। सो जो भी आप ईमेल्स की लिस्ट बना के रख दीजिए, तो जैसे लिस्ट होगा आप वहाँ से आराम से हर अकाउंट से TNC निकाल लीजिएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।